हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर ने बारिश ने कहर बरपाया है और यहां पर भारी बारिश से बिलासपुर के ज्योति पत्तन में 5 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जिससे गांव में मातम छा गया है। इसके अलावा स्वारघाट उपमंडल के वेहल सड़क पर बना चिकनी खट पुल तेज बारिश से बह गया, जबकि घागस में उफनती खट का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। पानी में कारें डूबती हुई नजर आई, जबकि बिलासपुर के मनोहल के सोहरी स्कूल में 4 फीट तक पानी घुस गया और बरसात में 4 पशु दबकर मारे गए हैं, जबकि जिला की 98 सड़कें बंद हुई हैं। इसके अलावा सड़कों पर भी काफी भूसंकलन हुआ है। अगर हम बात करें तो जिला बिलासपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टाली के गांव धोलाधार में ज्यादातर बरसात के कारण ठाकुरदास पुत्र बीरवल सिंह उम्र 46 साल का मकान गिर गया, जिसमें ठाकुरदास की मृत्यु हो गई है। ये मकान नया बनाया था। ठाकुरदास की पत्नी श्रुति देवी 42 साल, उसका लड़का गौरव 22 साल जो गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर भी लगातार भूसंकलन हो रहा है और श्रावण मेले के दौरान नैना देवी भाखड़ा नंगल सड़क और नैना देवी कीर्तपुर साहिब बिलासपुर भी बंद रहा, जबकि जल्द ही लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया। हालांकि लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़कों पर जेवीसी मशीनें और लेबर तैनात है। धौलाधार में ठाकुरदास के जो मकान गिरा है, ठाकुरदास के मकान में दबने से मृत्यु हो गई है। उसका लड़का और घरवाली घायल है, उनको फर्स्ट एड देकर घर को ले आए हैं। साथ में जो मृत्यु हुई है, परिवार की अति गरीब है। बड़ी मुश्किल से उसने लोगों से पैसे उठाकर कोई 10 लाख लगाकर एक मकान तैयार किया था। अभी 6 महीने पहले वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरी प्रशासन व सरकार से भी गुहार है कि इस गरीब अति गरीब परिवार की जितनी भी संभव सहायता हो सके करें।